नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इमरान खान को हर जगह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और अब भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और मोहम्मद शमी ने भारत को धमकी देने के बयान को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना की है। इमरान खान ने हाल ही में UNGC में भाषण देते हुए नफरत की भाषा बोली थी। मोहम्मद शमी ने महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में प्यार, भाईचारे और शांति का संदेश दिया। इमरान खान ने यूएन के मंच से धमकी दी और नफरत पर बात की। पाकिस्तान को एक ऐसा नेता चाहिए जो विकास, नौकरियों और आर्थिक तरक्की की बात करे, न कि युद्ध और आतंकवाद को पनाह देने की। वहीं हरभजन सिंह ने कहा कि UNGA के भाषण में भारत के खिलाफ न्यूक्लियर लड़ाई के संकेत दिए गए। एक मुख्य वक्ता होने के नाते इमरान खान द्वारा खूनी संघर्ष, अंत के लिए लड़ाई जैसे शब्दों का प्रयोग दो देशों के बीच सिर्फ नफरत को बढ़ावा देगा। एक खिलाड़ी होने के नाते मुझे उनसे शांति को बढ़ावा देने की उम्मीद थी। हर जगह इमरान खान की आलोचना हो रही है, लेकिन इससे सबक लेने के बजाय इमरान खान अपनी बेइज्जती कराने में व्यस्त हैं। अपनी हरकतों से इमरान खान ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। इमरान खान एक ऐसे नेता बन गए हैं जिनको खुद अपने मुल्क में कोई समर्थन नहीं मिलता है और एक ऐसे वजीर आजम जिसकी हरकतों की वजह से पूरा मुल्क बेइज्जती झेल रहा है। तो इसी के साथ बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।